हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद नीतू। आज मैं आपको सिखाऊंगी आप अपने किसी भी सिंपल ब्लाउज को डिजाइनर कैसे बना सकते हैं। ये तो खैर मेरा नया ब्लाउज है, बट क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस तरीके की डिजाइन, तो आई थॉट कि चलो बनाई जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में जो है मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं और फ्रंट साइड में एक ट्राइंगल बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेलिंग मैंने दी है। यहाँ पे मैंने मोती लगा दी है क्योंकि पूरा जो ब्लाउज़ है उसमें पाइपिंग का काम है, तो जिसकी वजह से जो मैंने मोती लगा दी इसकी वजह से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रंट में जो है इस तरीके से ट्राइंगल बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप जो है ये ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आप अपने किसी पुराना आपके पास कोई ब्लाउज रखा हो ना, उस पर भी आप इसे इजी तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ पर मैंने लिया है पेस्टिंग बकरम, ये एक साइड से शाइनिंग होती है, दूसरे साइड से एकदम प्लेन होता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, तो यहाँ से जो है ये पेस्ट हो जाता है जब आप इसमें प्रेस करते हैं और बैक साइड में। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है इस तरीके से, तो इसका मैंने जो है वो रेशियो रखा है, देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो एक साइड में जो है सिक्स, ये देखिए सिक्स है, और दूसरे साइड में जो है मैंने करीबन फाइव रखा है। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पॉइंट्स बना दिए हैं, एक फाइव पे एक सिक्स पे, और उसके बाद इसको मिक्स कर दिया है, मैच कर दिया है। अब जो है मैंने इसका ट्रायंगल जो है इस तरीके से काट लिया है और फिर जो है मैंने इसको कपड़े में जो है पेस्ट कर लिया है। तो इसमें सिंपली क्या है, प्रेस करते हैं ना तो पेस्ट हो जाता है। और फिर कपड़े को जो है मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सिलाई की ना, बहुत ही सिंपल है। आपको बस इस तरीके से जो है वो फोल्ड करना। अगर आपके पास पेस्टिंग बकरम नहीं है तो आप सिंपल बकरम में भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा ईजी रहता है। तो मैंने पेस्टिंग बकरम जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद जहाँ भी आपको इस डिज़ाइन को बनाना है आपको इसको इस तरीके से रखना है और आप पिन लगा लीजिए। पिन लगाने से क्या होगा ना, ये वही जहाँ आप लगाएंगे ना वहीं का वहीं सेट रहेगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। और क्योंकि यहाँ पर जो है जब हम सिलाई करेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से सिलाई भी हो जाती है। तो अब जो है मैं इसको जो है वो सिल लूँगी। तो सिलना कैसे है, आपको पहले तो सीधी एक लाइन सिलनी है, उसके बाद जो आपकी निडल है उसको कपड़े में ही रहने देना है और फिर आपको कपड़े को इस तरीके से घुमाना है। फिर जो है आपको पूरी जो है सिलाई करनी है, उसके बाद फिर से आपको निडल को जो है वो रहने देना है, फिर कपड़े को इस तरीके से घुमाना है। इससे जो है ना बहुत ही नीट तरीके से जो है ट्राइंगल आपका बनेगा, अदरवाइज ना वो गड़बड़ बनता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर से जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ रखकर और फिर से एक और बार जो है आप सिलाई कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, बहुत अच्छे से जो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। अब जो है यहाँ से आपको काटना है, और जब आप ये ट्रायंगल बनाते हैं ना तो आप ये देख लीजिए, इस ऊपर साइड में जो है मैंने जो हमारा कपड़ा है जहाँ फिनिशिंग आनी है वहाँ पे रखा है और बैक साइड में रखा है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं कपड़ा काट दूंगी और उसके बाद जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना उसको जो है हमें काटना है। इससे जो है कपड़ा बहुत ईजी तरीके से जब इसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने इस तरीके से काट लिया है और जो इसके कॉर्नर्स है ना उसमें हल्का छोटा सा कट देना, जहाँ आपकी सिलाई है ना उससे पीछे साइड में ही आपको इसको कट देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लाउज है ना वो बिल्कुल अच्छे से जो है कॉर्नर आपके फिनिशिंग में आ जाएंगे। और ये आप कहीं भी जो है बना सकते हैं, किसी भी, ज़रूरी नहीं है ब्लाउज़ में, अगर आप कुर्ती में भी जो है बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा लगता है। अब जो है कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है क्योंकि ऑलरेडी जो है हम फोल्ड मैंने सिलाई कर दी थी आसपास, तो आपको बस हल्की सी जो है पीछे तुरपाई लगानी है, हल्का सा जो है वो सिल देना है, तो उससे जो है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है। तो अब इसको क्योंकि ये हम मैंने यहाँ पर जो है बकरम यूज़ किया था तो यहाँ पर बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी और आपको हाथों की जो है मदद से ही जो है आपको इसको हल्के हाथों से जो है वो प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो आई है। और इस तरीके से आप अपने जो नाखून है ना उनकी मदद से इसको हल्के से जो है वो मोड़ लेंगे तो
आपको इसमें भी सिलाई भी करनी है एक, तो उससे पहले आप इसको अच्छे से जो है इससे फोल्ड कर लीजिए। अब जो है ऊपर से जो है आप एक सिलाई कर दीजिए। जब आप ऊपर से एक सिलाई कर देते हैं ना, तो ये एकदम से वहीं पर जो है वो सेट हो जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ट्राइंगल कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने किसी पेपर में जो है वो ट्राइंगल बनाया है, कपड़े में नहीं बनाया, इस तरीके से जो है ना खूबसूरती से। और सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है, जैसे आपका कॉर्नर आएगा ना, आपको निडल को कपड़े के अंदर ही रहने देना है, और उसके बाद जो है आपको कपड़े को जो है वो गोल से जो है करना है। अब जो है इसे हम काट देंगे, और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ मुझे ये थोड़ा अधूरा लग रहा था, बन गया था, अधूरा लग रहा था, क्योंकि पूरा जो है वो पाइपिंग है, बट क्योंकि करवा चौथ था, मैंने करवा चौथ के लिए ब्लाउज बनाया था, तो मैंने वहाँ पर जो है पहन लिया था। आगे साइड में मैंने सिर्फ मोती लगा लिए थे। आप चाहें तो आप पोती लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर जो है मोती लगा लिए थे। मोती लगाने से आप देखिए और ज़्यादा जो है अच्छे से जो है वो इन्हेंस हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये जो ब्लाउज़ है ये आपने बुटीक में बनवाया है। आप यहाँ पर मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने करवा चौथ में ब्लाउज पहना था, तो उस समय जो है मैंने केवल आगे ही जो है वो मोती लगाए थे, पीछे साइड में नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय उतना टाइम नहीं था। बट स्टिल आप देख सकते हैं, अगर आप मोती लगाएंगे तब भी अच्छा लगेगा, और नहीं लगाएंगे तब भी अच्छा लगेगा। इस तरीके के मोर वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन सी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।